बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? कैसी रही कल की चाय? चाय को बनाते बनाते मेरे माइंड में एक और ख्याल आ गया, क्यों ना आप लोगों के लिए टी ट्रे ना बनाई जाए। वाओ, इट्स लुक सो ऑसम एंड टी। चलिए अब इसको बनाते हैं। यहाँ पर मैंने ले ली है एक प्लेट, और प्लेट को मैंने इसको राउंड शक्ल देने के लिए 2 edges पे इसके रख दिया है, और इसको मैंने सर्कल कर लिया। मेरा मेन मकसद इसके किनारों को राउंड बनाना था, और मैंने जब इसको कारपेंटर के पास कटिंग करने के लिए भेजा तो उसने उसको अपनी मर्ज़ी से ऐसा काट दिया। अच्छा, अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ 2-3 स्टाइल की रूप। एक थोड़ी मोटी है, एक थोड़ी बारीक है आपकी तरह, और मोटी मेरी तरह। और ये जी वाइट ग्लू जो हार्डवेयर की शॉप से आसानी से मिल जाती है, और जब तक आपने मेडिक के साथ रहना है और इसको अपने घर में ज़रूर रखना है। हम लोग बना ले हैं इसके रिंग सबसे पहले, जो इसकी साइड्स पे लगाने हैं। उसके लिए मैंने जो बारीक वाली रूप है, इसको हम सेबा भी कहते हैं अपनी लैंग्वेज में, वो ले लेनी है, और उसको आपने तकरीबन 2.5-2.5 फुट लंबा काट लेना है। इस 2.5-2.5 फुट के मैंने एक जैसे 3 पीस लिए हैं, और इनको मैंने एक दूसरे के साथ यूँ करके ज्वाइन कर लिया है इस तरह से, ये देखें। अब इन तीनों को मैं अपने 2 fingers को, थंब को और जो दूसरी फिंगर है उसको मैं लगाते हुए, गम वाइट ग्लू गम लगाते हुए इसको मैं हल्का हल्का सा मिक्स करती जाऊँगी, तो ये एक स्ट्रेट रिबन की शक्ल थी। यानी कि ये एक हमारे पास बन जाएगा सेबे का रिबन, या सेबे की रस्सी की रूप, क्या कहते हैं, रस्सी का रिबन बन जाएगा ये हमारे पास। जब तक मेरा ये रिबन रेडी हो रहा है, आप लोग जल्दी से कर लो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। ये मेरा हो गया है रिबन रेडी। तो अब इसको मैं मैंने परफ्यूम की बॉटल ली है जो मुझे राउंड शेप में चाहिए थी। अब इसकी जगह आप ग्लास भी यूज़ कर सकते हैं, कोई और बॉटल भी यूज़ कर सकते हैं। उसके ऊपर आपने इसको इस तरह से रैप कर देना है। ये एक्चुअली मैंने अपने बाकी रिंग्स रेडी कर लिए हैं, इस वजह से मेरी बॉटल डर्टी हो गई है ग्लू लग लग के। जहाँ जहाँ से इसके एजेस खुलें उसको वापस से वाइट ग्लू लगाएं, ताकि ये अच्छी तरह से मजबूती से बैठ जाए। 3 जो उसकी लेयर्स हैं उनको एक दूसरे के ऊपर रखना है, फैला के नहीं रखना है। नीट एंड क्लीन सॉफ्ट हैंड के साथ आप इनको बनाएं, और आराम से इसको इस तरह से बाहर निकाल लें। इसको कुछ देर के लिए ड्राई होने रख दें। मैंने चूँकि ये ड्राई होने पर टाइम लेते हैं, इसलिए बाकी के रिंगर्स जो हैं वो मैंने पहले से रेडी कर लिए थे, और इनको मैंने जल्दी सुखाने के लिए धूप में भी रखा था। ये मेरे सब ये तकरीबन मैंने 18-20 रेडी किए हैं। इसके साइडों पर मैंने रख के पहले निशान लगा लिए थे कि मुझे कितने चाहिए ना। अब हमने करना है इस ट्रे को कवर। तो इसको मैं जो फर्स्ट इसकी जो लेयर है उसको मैं लगाऊंगी ग्लू गन के साथ। ग्लू गन से लगाने का मकसद ये है कि फ़ौरन से चिपक जाएगी, लेकिन ग्लू गन जो है वो इतनी रिलायबल नहीं रखती है इसको रूप को। कुछ दिन के बाद जो ही गर्मी या सर्दी का होता है तो ये सूंघने की वजह से मतलब जाहिर है चीज़ें सूंघती भी हैं और फैलती भी हैं, तो तब ये ग्लू गन जो है उसको छोड़ देती है। इसलिए मैंने इसका जस्ट स्टार्टर लिया है, उसके बाद मैं दोबारा से वाइट ग्लू ही यूज़ कर रही हूँ। मैं फिर से कह रही हूँ, जो लोग मेरी वीडियो को लाइक कर रहे हैं प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि आपको रोज़ाना इस तरह की मज़े की चीज़ें सीखने को मिलें, और आप अपने घर को एक एंटीक लुक देख सकें। आप कहीं पर भी जाएं, अपने किचन में, अपने वॉशरूम में, अपने ड्राइंग रूम में, वहाँ पर हर जगह पर आपको आपकी क्रिएशंस नज़र आएँ। तो इसलिए उसके इन सब चीज़ों को सीखने के लिए आपको करना पड़ेगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर, ठीक है। अभी मैं इसको साड़ी को लगा रही हूँ। वाइट ग्लू लगाने का एक और भी पर्पस होता है कि आप इसको फ्रीली यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये ड्राई होने के बाद वैनिश हो जाती है, गायब हो जाती है, अपना जादू दिखाती है और फिर गायब हो जाती है वैडी की। इस ट्रे पे ज़्यादा एक्सपेंस जो आया है वो मेरी ग्लू का ही आया है, क्योंकि हर चीज़ इसकी ग्लू के साथ ज्वाइन की गई थी। ग्लू का एक पैकेट ले आएंगे तो वो आपकी ऑलमोस्ट ये ट्रे जो है आसानी से तैयार हो जाएगी, और रूप वगैरह जो है वो तो आप एक एक बॉल ले वो क्या कहते हैं कि गोला लेके रख लें तो आपके बहुत काम आएंगे। ये मेरा इसका नीचे वाला हिस्सा रेडी हो चुका है, और ये बहुत ही मतलब मजबूत लग रहा है। जो मेरे रिंगर्स थे वो बिल्कुल ड्राई होके हार्ड हो चुके हैं। अब ये मैं इनको सबको आपस में ज्वाइन कर रही हूँ। यहाँ मैं ग्लूगन का यूज़ कर रही हूँ, इधर ग्लूगन लगा कर इसके बाद मैं इसको ब्रश के साथ सारे जो है इनके अंदर ग्लूगन को थोड़ा सा लिक्विड डाल के वो भी लगा दूँगी। एक्चुअली उस टाइम लाइट चली गई थी, इस वजह से मेरा वो क्लिप नहीं बन सका, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि सारी डन करने के बाद आप इसको स्प्रे वो कीजिएगा ब्रश के साथ, ग्लूगन को सारे इसके जॉइंट्स के ऊपर दोबारा से लगा दीजिएगा। यहाँ पर देखें मैंने सारे जो हैं रिंग्स लगा दिए हैं, इतनी खूबसूरत लग रही है ना यार। रात की तो मैं इसको बार बार देख रही हूँ, बार बार देख रही हूँ, और आप यकीन करें अब ने जब बनाना है ख़ुद से ओहो हो पागल हो जाना है। मेहनत है थोड़ी सी, बाकी इसके ऊपर कोई इतना ख़र्चा नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जो चीज़ बन जानी है ना, जब आप लोगों ने गेस्ट के सामने लानी है, तो बस कमाल ही हो जाना है। ये देखें,
ये सज गई है हमारी टी ट्रे ज़बरदस्त लुक के साथ। आप बड़े बड़े होटल्स में जाएं पीसी वगैरह में, वहाँ पर आपको इस तरह की एंटीक्स चीज़ें मिलती हैं। तो लड़कियों, आपको मैडी ने ये घर पर बनाना सिखा दिया है, जल्दी से मेरे चैनल को कर लो लाइक सब्सक्राइब और शेयर, ताकि मैं आपको इस तरह की और चीज़ें दिखा सकूं। आजकल तुम लोगों के हाथ ज़रा रुके हुए हैं, मुझे लग रहा है तुम लोगों का ये लाइक वाला बटन ख़राब हुआ हुआ है या सब्सक्राइब वाला। अगर तो वो बटन सही है तो पहले करो लाइक, फिर करो सब्सक्राइब और फिर कर दो शेयर इसको। लेकिन अगर पहले सब्सक्राइब कर चुके हो तो प्लीज़ फिर शेयर का बटन, सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाना है। जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं वो मेरे चैनल का विजिट करें, और यहाँ पर आपको इस तरह की बहुत सारी क्रिएटिव वीडियोस नज़र आएंगी। थैंक यू सो मच वॉच।